हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर, और आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर शो दोस्तों। और आज है शनिवार और आज है 18 फरवरी, और हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, हम सारे इन्फॉर्मेशन की बात आपसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को महाशिवरात्रि की बधाई हो और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे दोस्तों। और आप सब सिलेक्शन है इस बार, है ना, काफ़ी अच्छा दिन है दोस्तों आज। और मेरे इष्ट देव हैं महादेव, और आपको पता है शायद कि मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, और बस मैं महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। आपके सिलेक्शन से बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारे लिए। जब आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों ना, एक्चुअली एक चीज़ होती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि दोस्तों की, जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो सेटिस्फेक्शन हमें कब मिलता है, जब आपका सिलेक्शन होता है, आप लोग फ़ोन करते हो, आपके घर वाले हमसे बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा आपसे बोलूँगा एक बात बस, वी आर हियर नॉट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वी आर हियर फॉर वनली वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन तब आती है जब आप सेटिस्फाइड होते हैं। हम जब कंटेंट पढ़ाते हैं आपको, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आपको, पता है आपको, अगर हमारी क्लास अच्छी नहीं जाती है तो दिन हमारा ख़राब हो जाता है। आपको शायद लगता भी नहीं होगा, रात भर की मेहनत होती है दोस्तों। उसके बाद अगर किसी भी रीज़न से क्लास हमारी डिले होती है, ख़राब होती है, अच्छे कंटेंट नहीं होते हैं, तो हमको उसका बुरा लगता है। बुरा लगता है कि यार हमने आपका टाइम ख़राब किया शायद। ये चीज़ें डेवलप होती हैं आपके एक्सपेक्टेशन से। बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं, सर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है आपसे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आसान काम नहीं है, और वैसे भी आप रॉक स्टार्स हैं, है ना दोस्तों। तो आप वैसे भी रॉक स्टार हैं, तो आप आसान काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, आप जीतने के लिए पैदा हुए, है ना। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों कल हम लोग एक इवेंट में गए थे, आपको बताया, काफ़ी लेट नाइट हम लोग लौटे वहाँ से, और उसके बाद हम क्लास यहाँ पे ले रहे हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो करनी होती हैं हमें, ये चीज़ें हमें भी करनी है, ये चीज़ें आपको भी करनी है। और जब हमारा आपका तालमेल बैठता है, कोऑर्डिनेशन बैठता है, जब आप हमें फॉलो करते हैं और आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिलता है, तो इट्स वैल्यू क्रिएशन दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, और हमारे पास आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, और हमारे पास इस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। बने रहे हमारे साथ, आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे दोस्तों। तो हमारी पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है, डेविड मालपास। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा मेरे मुँह से जब मैं आपको पढ़ाता हूँ वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो डेविड मालपास टू स्टेप डाउन एज द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट दोस्तों, यानी डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप से हटेंगे दोस्तों। जो हमारे हिंदी वाले भाई बहन हैं वो भी हमारा कंटेंट देखें, आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो विश्व बैंक के दोस्तों अध्यक्ष थे डेविड मालपास, तो ये अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे दोस्तों। इस्तीफा क्यों देंगे दोस्तों? एक्चुअली अगर ध्यान दिया जाए ना, तो डेविड मालपास ने काफ़ी अच्छा काम किया। जब डेविड मालपास बने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट दोस्तों, तो हुआ क्या दोस्तों, इनके सामने COVID-19 जैसी कंडीशंस आई। COVID-19 के बाद अभी आप देख रहे हो दोस्तों रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जैसे पूरे विश्व में एक मंदी का दौर शुरू हुआ, कई सारे देश गरीब, मतलब श्रीलंका आप देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, यूरोप में कई सारे कंट्रीज हैं। तो डेविड मालपास ने काम ठीक किया था, लेकिन इनको एक्चुअली देखो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है 5 साल के लिए होता है, और इनका 5 साल अप्रैल 24 में होगा, लेकिन 1 साल पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लग रहे थे दोस्तों कि ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर काम नहीं कर रहे थे, क्लाइमेट एक्शन को लेकर। और दूसरी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें अपॉइंट किया था, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो एक है ना लेगेसी, बुरी लेगेसी, वो इनके साथ रही दोस्तों। तो लेकिन मेरे हिसाब से डेविड मालपास ने ट्रेमेंडस काम किया था। आइए दोस्तों, तो डेविड मालपास जो है टू स्टेप डाउन एज द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों। देखिए डेविड मालपास दोस्तों, ठीक, 66 साल के हैं ये, ठीक, रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ही वॉज अपॉइंटेड बाई द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन अप्रैल 2019 दोस्तों, यानी इनका जो कार्यकाल था अगर ध्यान से देखा जाए तो वो अप्रैल 2024 में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन बिफोर 1 ईयर इन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि इनके ऊपर क्लाइमेट एक्शन को लेकर ठीक से काम नहीं करने के लिए आरोप लगे हुए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये दोस्तों हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी। जो हमारे हिंदी वाले भाई बहन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये पढ़ लिया, तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से हटेंगे, और इनको डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में अपॉइंट किया था। तो ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों।
इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था वो मैंने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। रिविजन पॉइंट हमारे पास है रिसेंट रिजिग्नेशन। रिसेंटली में कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी ने रिजाइन दिया अपनी पोस्ट से दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल सबसे लास्ट नतालिया ग्वारिलिटिका, इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर थी ऑफ द मोल्डोवा, इन्होंने रिजाइन दे दिया। ये मैंने पढ़ाया था आपको रशिया यूक्रेन क्राइसिस दोस्तों, याद है ना मैंने बताया था ये जो आपका मोल्डोवा है ये बिल्कुल करीब है यूक्रेन के, ये मैंने पढ़ाया था। उसके पहले गाइस डगलस फेगिन, ये नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ऑफ द 197 कम्युनिकेशन अलीबाबा वाला पॉइंट, ये भी हमने आपको पढ़ाया दोस्तों। ग्राहम रीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीफ कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम दोस्तों थे, इन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेटफ्लिक्स थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके पहले दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जेसिंडा अर्डन, याद है ना, प्रेसिडेंट ऑफ द वियतनाम, तो ये भी दोस्तों याद है ना कुछ मैंने पढ़ाया था आपको ये सब चीज़ें फुक के बारे में कुछ याद है ना, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, रिवाइज कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने न्यूज़ नंबर टू की दोस्तों। अब न्यूज़ नंबर टू की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्कॉटलैंड की बात करेंगे। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दोस्तों दे दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर का मतलब दोस्तों क्या हुआ? दोस्तों स्कॉटलैंड में आज भी मोनार्ची है, मतलब राजशाही है, ठीक, और स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट को जो लीड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मिनिस्टर, जस्ट लाइक हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, ठीक है। तो स्कॉटलैंड की पहली जो मिनिस्टर थी इनका नाम क्या था? निकोला स्टर्जन, इन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। निकोला स्टर्जन ये फर्स्ट मिनिस्टर थी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट मिनिस्टर वो होता है जो स्कॉटिश गवर्नमेंट को लीड करता है दोस्तों, क्योंकि इनके ऊपर राजशाही होती है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना थोड़ा सा। आइए बात करते हैं इनके बारे में। देखिए तो निकोला स्टर्जन दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये फर्स्ट मिनिस्टर थी स्कॉटलैंड की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द स्कॉटलैंड, तो ये स्कॉटलैंड की पहली महिला फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी दोस्तों। तो एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है दोस्तों, ठीक है, स्कॉटलैंड की पहली महिला मिनिस्टर, पहली मिनिस्टर मतलब महिला थी, नाम निकोला स्टर्जन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पोस्ट से। तो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों हमारे सामने है, देख लीजिएगा। हाँ विशाल सर ने आपको आजकल, कल हम लोग की इन पर बात भी हो रही थी, अगर आप इसके बैकग्राउंड पर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इसमें चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि विशाल सर का एक मन है इस पर वीडियो अलग से वीडियो बनाने का, मुझसे बोल रहे थे कल, तो इतना देखिए आगे विशाल सर आपको समझा देंगे इसे और दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग दोस्तों, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, एडिनबर्ग एंड पाउंड स्टर्लिंग, कैपिटल एंड करेंसी की बात हम कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये दो इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक हमने आपको दी, आगे बढ़ते हैं। यानी शुरुआत आज अच्छी खबर से नहीं हुई है, हमने दो खबर पढ़ा और दोनों खबर में रिजाइन की ही बातें हुई हैं, अच्छी बातें आज शुरू नहीं हुई हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आपको आज अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी, हमारे न्यूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। देखिए दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, पेटीएम की बात नहीं कर रहे हैं हम, पेटीएम पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे देश में छह पेमेंट बैंक हैं जिसमें से एक पेटीएम पेमेंट बैंक भी है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द यूपीआई लाइट फीचर दोस्तों, ठीक, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक पहला बैंक बन गया जिसने अपने एप्लीकेशन पे आपको यूपीआई लाइट फीचर देना शुरू कर दिया। अब ये यूपीआई तो हमने सुना है दोस्तों, हम लोग फोन पे यूज करते हैं, जीपे यूज करते हैं, ये यूपीआई लाइट क्या होता है? आइए तो यूपीआई लाइट दोस्तों यूपीआई ही है, बस ये छोटे ट्रांजेक्शन के लिए बना हुआ है। आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों इंफॉर्मेशन, तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड दोस्तों, ठीक, ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, हैज लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर फॉर मल्टीपल स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन एंड बिकम द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू लॉन्च सच फीचर दोस्तों। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक बन गया जिसने अपने एप्लीकेशन पे आपको यूपीआई लाइट का फीचर दिया हुआ है, जिससे आप मल्टीपल मतलब कई तरीके के बट स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल और स्मॉल वैल्यू का मतलब दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे
देखिए, द यूपीआई लाइट फीचर विल बी हेल्प विथ फास्टर रियल टाइम ट्रांजेक्शन विद अ सिंगल क्लिक थ्रू. ये पढ़ना नहीं है आपको, ये केवल भावनाओं को समझने वाली बात है आपकी. ठीक है, हम मेन मुद्दे पर आते हैं आपके साथ. देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. यूपीआई लाइट वॉलेट अलाउ अ यूजर टू डू इंस्टेंट ट्रांजेक्शन ऑफ अप टू रुपीज 200, मेकिंग द इंटायर एक्सपीरियंस क्विक एंड द सीमलेस. दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है, यूपीआई लाइट के थ्रू आप एक बार में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 200 रुपए का कर सकते हैं. 200 रुपए का, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. यहां पे वॉलेट का मतलब दोस्तों क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ. मेरे ख्याल से आप लोग वॉलेट जानते हैं, वॉलेट का यूज हम कैसे करते हैं. पेटीएम पर भी आपके वॉलेट का ऑप्शन आता है. वॉलेट का मतलब दोस्तों वर्चुअल एक वॉलेट, इसका मतलब आप अपने वॉलेट में कुछ पैसा रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं पेटीएम यूज करता हूं, तो पेटीएम पे जब पैसे आते हैं मेरे पास, तो दो ऑप्शन रखे मैंने, एक वॉलेट के और एक मेरे अकाउंट के. तो वॉलेट का मतलब होता है वर्चुअल स्टोरेज, जहां पर आप पैसे रख सकते हो दोस्तों अपने. ठीक है, और देखिए क्या बोला गया, अ मैक्सिमम ऑफ 2000 कैन बी एडेड ट्वाइस इन अ डे टू यूपीआई लाइट, मेकिंग द क्यूमुलेटिव डेली यूसेज अप टू रुपीज 4000. अब यहां पर क्या बोला गया भाई, अभी तो हमने क्या बात की कि भाई आप 200 रुपए के ट्रांजेक्शन कर सकते हो. ठीक है, ये तो क्लियर था, लेकिन क्या बोला गया, अ मैक्सिमम ऑफ 2000 कैन बी एडेड ट्वाइस, यानी 2000 रुपए मैक्सिमम आप दो बार ऐड कर सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए, तो जो हम लोग वॉलेट की बात कर रहे हैं ना, वॉलेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग अपने बैंक अकाउंट से, इसमें आप लोग का जो बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा यहां पर रख सकते हैं दोस्तों. ठीक, कितना, सबसे पहले आपने 2000 रुपए इसमें रख लिया दोस्तों. ठीक, आज सुबह तो इस वॉलेट में 2000 आ गया. अब आप कुछ खरीदने जाओ, तो आपने एक बार में 200 रुपए का ट्रांजेक्शन किया. अब गाइस सपोज करो कि आपने दिन में 10 बार 200 रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए, फिर दो आप मूवी देखने गए 200 रुपए टिकट, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ खाए 200 रुपए, तो आपने दिन भर में मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन किए, 200 रुपए के अमाउंट खत्म हो गया आपका. ठीक, तो उसी दिन आप फिर से 2000 रुपए इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और फिर से 200 रुपए के ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, यानी इस तरह से 4000 रुपए, यानी एक दिन में आप मैक्सिमम 4000 रुपए इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 2000 रुपए, यानी 2000 को दो बार आप ऐड कर सकते हैं इसमें 4000 रुपए. दोस्तों मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, 200 रुपए मैक्सिमम, इसका मतलब 50 रुपए भी होता है, 100 रुपए भी होता है भाई, सिंपल सी बात है. आप फॉर एग्जांपल आप गए पेट्रोल टंकी पे, आपने 50 रुपए का तेल डलवा लिया, तो एक बार में 200 रुपए मैक्सिमम है ना, तो 50 रुपए का तेल आप डलवा सकते हो, 100 रुपए का तेल डलवा सकते हो, तो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए. ठीक, तो आपके वॉलेट में एक बार 2000 रुपए आ गए दोस्तों, आप दिन भर ट्रांजेक्शन कर लो, लेकिन मैक्सिमम 200 रुपए कर पाओगे एक बार में. और जब ये 2000 खत्म होते हैं, आप फिर से 2000 इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब 4000 रुपए इसमें आप ऐड कर सकते हो दिन में. ठीक है दोस्तों, क्लियर, पहले मुझे ये बताएं. अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो फीचर है वो यहां मेंशन नहीं है, इसका सबसे बड़ा फीचर यह है दोस्तों कि यह विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा. इसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि ये विदाउट इंटरनेट भी काम करता है, यूपीआई लाइट विदाउट इंटरनेट. हाँ, ये भी ध्यान देना. ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना. तो एक मैक्सिमम 200 रुपए, एक बार में 2000 रुपए, और फिर वो खत्म हो जाए तो फिर से 2000 रुपए, मतलब 4000 रुपए एक दिन में 4000 रुपए, इसे याद रखिएगा. चलिए, तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों. तो पेटीएम पेमेंट बैंक हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक बन गया दोस्तों, जिसने यूपीआई लाइट फीचर आप लोगों को दिया हुआ है. और क्या क्या इसके मतलब वो हैं करेक्टरिस्टिक्स, वो आप यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं क्या बोला गया. द एनपीसीआई डिजाइन द फीचर विच वॉज लॉन्च बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सेप्टेम्बर 2022. तो कहने का मतलब ये है कि एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट को बनाया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में इस फीचर को लॉन्च कर दिया था मार्केट में. तो यहां पर दोस्तों आके हमारी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है. अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करेंगे, इस हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, और चेयरमैन कौन है, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा जी हैं. मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं, विजय शेखर शर्मा जी हैं. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों.
आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन, हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कहती है वो देखिए यहां पे। तो क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 32 एग्जिस्टिंग पीए। दोस्तों अब यहां पर पीए का मतलब क्या होता है, तो पीए का मतलब पेमेंट एग्रीगेटर। दोस्तों पेमेंट एग्रीगेटर हमने कई बार अपनी क्लास में यह शब्द सुना हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में 32 एग्जिस्टिंग यानी जो कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, 32 एग्जिस्टिंग पीए को और 19 न्यू पीए को टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पीए, टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पीए। तो दोस्तों न्यूज क्या है हमारी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में 32 एग्जिस्टिंग पीए को और 19 नई पीए को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का काम करने के लिए अप्रूवल दोस्तों दे दिया है। अब यहां पे ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहले वो सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द पेमेंट एग्रीगेटर, मैं हमेशा देखता हूं कि मैंने क्लास में आपको सिंपल सी भाषा में समझाया है लेकिन आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां होती क्या है। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यार जो हमारी अगली जनरेशन होती है ना वो हमेशा स्मार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हमसे स्मार्ट होंगे किसी ना किसी काम में, ये होता है हमेशा ऐसा होता है। अभी कल जो हम लोग इवेंट में गए थे तो वहां भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो आगे आने जनरेशन है वो और स्मार्ट होगी। तो आप लोग भाई हमसे स्मार्ट हैं, यानी आप लोग हमसे ज्यादा या हमसे पहले जोमैटो स्विगी ये कौन सा एप्लीकेशन है मूवी वाला, मेक माई मूवी नहीं मूवी वाला एप्लीकेशन जो भी मुझे याद नहीं है, तो आप लोग फॉर्म SBI का फॉर्म है ना, आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों। तो जब आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं कुछ भी, जब आप लोग पे करते हो ना पे, ध्यान दिया करो हमेशा जब भी आप पे पे दबाते बटन तो तुम्हारे सामने एक थर्ड पार्टी खुल के आती है, कैश फ्री का नाम के नाम से, बिल्डर्स के नाम से, या फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के नाम से, या फॉर एग्जाम्पल रेजर पे के नाम से आते हैं ये सब, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां तुम्हारा जो पेमेंट है ना वो करवाती हैं दोस्तों, समझे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट एग्रीगेटर की, ठीक। दोस्तों ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ, तो यहां पे ऑनलाइन का मतलब वही हुआ जो आपको हम समझा रहे थे। हम क्या समझा रहे हैं, तो हम समझा रहे हैं जो मैंने एग्जांपल दिए, भाई आपने जोमेटो से खाना बुक किया, ऑनलाइन बुक किया, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस किए तो थर्ड पार्टी आ रही है सामने। आपने PW ऐप पे आप गए, आपने PW कोर्स परचेस किया तो एक थर्ड पार्टी सामने आती है ना। आप मेरे वेबसाइट पे आते हो वहां पर आप कुछ परचेस करते हो, रेजर पे आता है सामने, है ना। तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो है। तो आप बोलेंगे सर क्या हमारे देश में ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में भी लोग काम करते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। अच्छा पहले ऑफलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब समझ लो, तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड, तुम लोग किसी दुकान पर गए, वहां पर एक मशीन एक डिवाइस होता है जिसे आप लोगों ने अपने आप स्वैप मशीन बोलना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली में उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। आप वहां भी जो अपना डेबिट कार्ड स्वैप करते हो ना आपको दिखता नहीं, लेकिन वहां भी थर्ड पार्टी होती है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे देश में जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी होती है ना वो ऑफलाइन भी काम करती है और ऑनलाइन भी काम करती है। तो यहां पर जो हम इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 32 एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज को और 19 न्यू पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज को अप्रूवल दे दिया है कि आप लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बस यही इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ठीक है। मानस जी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में सिम लगता है ना बेटा, लेकिन आप ऑनलाइन कहां गए, वहां पर आप ऑनलाइन गए क्या, क्या आप अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो फिर करते हो क्या, कुछ नहीं करते हो ना बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन देखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक, टू 32 एग्जिस्टिंग ऑनलाइन नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर एंड 19 न्यू पीए टू ऑपरेट एज द ऑनलाइन पीए। बस सिंपल सा, यानी 32 एग्जिस्टिंग और 19 नहीं, बस ये दो पॉइंट में याद रखना है बस दोस्तों, और तुम्हें कुछ नहीं करना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन लोग को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का काम करने के लिए अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। बस यही इंफॉर्मेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ पढ़ना है नहीं इसके अलावा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे हमारी कंप्लीट हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की और ये काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि यहां पर हम HDFC के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है, बिगेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड डील, बिगेस्ट यानी अब तक की प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बॉन्ड की डील अब तक की भारत इतिहास में दोस्तों, क्या है,
HDFC raises rupees 25,000 करोड़ रुपीस via NCD, यानी आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि HDFC बैंक जो है, ध्यान सुनो, HDFC बैंक जो है ये 25,000 करोड़ रुपए बॉन्ड से उठाएंगे, उठाने का मतलब लोन लेंगे, और वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, NCD। तो यहां पे NCD का मतलब होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर दोस्तों, है ना। तो नॉन कन्वर्टिबल, मैंने आपको नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बड़े अच्छे समझाया हुआ है, एक बार देखते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो HDFC कंक्लूडेड अ सेल ऑफ 10 ईयर, 10 साल मैच्योरिटी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वर्थ रुपीज 25,000 करोड़ रुपए, मेकिंग द लार्जेस्ट डोमेस्टिक रुपी बॉन्ड इश्यूएंस बाई ए कॉर्पोरेट इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। यानी हिंदी में जो लोग पढ़ा आते हैं, देखिए दोस्तों, तो यहां पे क्या बोला गया कि HDFC जो है वो आज तक का सबसे बड़ा उधार ले रहा है, कितने का, 25,000 करोड़ रुपए का। अब ये उधार कितने साल के लिए दोस्तों, 10 साल के लिए, और किसके थ्रू उधार ले रहा है, तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू HDFC बैंक नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू 25,000 करोड़ रुपए का उधार ले रहा है, 10 साल की मैच्योरिटी, मतलब 10 साल की दोस्तों, ठीक है। और इस पर ब्याज कितना है, कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई, HDFC अगर उधार ले रहा है तो ब्याज देना पड़ेगा, कितना ब्याज दोस्तों, तो इसका ब्याज कहीं मेंशन हो रहा था, 7.97% दोस्तों, यानी 7.97% ये ब्याज देगा HDFC बैंक। यानी जो लोग HDFC को पैसा उधार देंगे 25,000 करोड़ रुपए, तो उनको 7.97% का ब्याज मिलेगा 10 साल की मैच्योरिटी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर दोस्तों, इसका मतलब क्लियर है आप लोगों को, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का दोस्तों मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था भारत सरकार और वोडाफोन का। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको उधार दिया, ठीक, अगर मैंने आपको उधार दिया कितना, 100 रुपए, और आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपके कंपनी की टोटल वैल्यू है 1,000 रुपए दोस्तों, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए उधार दिया था। अब आप मेरा 100 रुपए वापस नहीं कर पा रहे, मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूं वापस करो, नहीं कर रहा हूं, तो मेरे अगर ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर नहीं होता तो मेरे पास एक अधिकार दोस्तों, तो मैं क्या करता, चूंकि मैंने 100 रुपए तुमको दिए हुए और तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए का 100 मतलब 10% हुआ ना, तो अब मेरे पास अधिकार है कि मैं तुम्हारे कंपनी का 10% शेयर ले लूं, यानी डेब्ट को मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर दूं, यानी उधार को मैं शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर दूं। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होगा तो मेरे पास ये पावर नहीं होगा दोस्तों। तो ये सब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई थिंक, है ना दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए दोस्तों, नंदिनी जी हंस रही है, सर नंदिनी जी ये मैं मजाक कर रहा हूं, मैं कोई 100 रुपए नहीं देने वाला आपको, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाइए मत अपनी, हाँ कि हाँ सर 100 रुपए उधार देंगे तो हम बाहर जाएंगे, बाहर कुछ खा पी लेंगे, मोमोज वोमोज टाइप का, ये सब केवल भैया अफवाह है, केवल है ना, इसे अफवाह समझ के भूल जाइए पूरा, देखिए एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए, है ना। देखिए दोस्तों, तो यहां पर हमने सारी बातें आपसे कर दी, तो अगर हमें इस इंफॉर्मेशन को समराइज करना है ना, तो बस दोस्तों आप याद रखना कि हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, इसने एक नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया, कितने का, 25,000 करोड़ रुपए का दोस्तों, ठीक है, 10 साल के लिए ये उधारी है दोस्तों, और जो भी उधार देगा उसको 7.97% है ना, इतना है, हाँ इतना ब्याज मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यही पॉइंट आपका है। यानी हम अमाउंट की बात कर ले रहे हैं, मैच्योरिटी की बात कर ले रहे हैं और ब्याज की बात कर ले रहे हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, मतलब किसी भी कंपनी ने या बैंक ने इतना पैसा कभी उधार नहीं लिया है भारत में, अगर हम बात करते हैं तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी दो इंफॉर्मेशन बैक टू बैक कंप्लीट, एक हमने बात की अपॉइंटमेंट की और एक हमने बात की बैंकिंग फाइनेंस की। हमारी आज की तीसरी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और MOUs दोस्तों। अब यहां पर हम क्या बात करेंगे, एग्रीमेंट और MOUs में हम लाए हैं आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों। अब चूंकि भारत में G20 की मीटिंग शुरू हो रही है, दूसरे देश के नेता हमारे देश में आ रहे हैं दोस्तों, और इंडिया इसी मौके का फायदा उठा रहा है और इंडिया हर देशों से डील कर रहा है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इंडिया और स्पेन के बीच में डील, और आज हम बात करेंगे इंडिया और फिजी के बीच में डील दोस्तों, ठीक है। फिजी एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं,
और अभी फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ, मैंने पढ़ाया था आपको फिजी में, है ना। तो फिजी और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं ऑन द वीजा एग्जेम्पशन, वीजा में छूट दोस्तों। एग्जैक्टली में क्या है ना कि दोस्तों आपको बताया कि जब भी एक देश दूसरे देश के साथ कुछ मतलब डील करता है, या फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन की, तो एक देश का डिप्लोमेट दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश का डिप्लोमेट हमारे यहाँ आता है। तो एक्चुअली इंडिया और फिजी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारे डिप्लोमेट होते हैं ना वो आसानी से फिजी में नहीं आ सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इंडिया एंड फिजी साइन एमओयू ऑन द वीजा एग्जेम्पशन। अब यहां पे वीजा में छूट की बात हो रही है, तो भारत और फिजी ने वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दोस्तों, तो इंडिया और फिजी, ठीक, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों, एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन द वीजा एग्जेम्पशन दोस्तों। अब देखो, ऑन वीजा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक एंड द ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर दोस्तों, यानी कि भारत सरकार अगर कोई डिप्लोमेट या कोई ऑफिशियल्स फिजी में भेजता है ना, तो उसको वीजा में छूट मिलनी चाहिए। देखो यहां दोस्तों, होल्डर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक एंड द ऑफिशियल पासपोर्ट विल बी एबल टू एंटर, ठीक, ट्रांजिट एंड स्टे इन ईच अदर टेरेटरी विदाउट अ वीजा फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज दोस्तों। तो अब जो एग्रीमेंट साइन हो गया है उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि इंडिया के डिप्लोमेट फिजी में और फिजी के डिप्लोमेट इंडिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं और यहां पर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं 90 दिन तक के लिए वीजा फ्री। तो इसलिए एग्रीमेंट साइन दोस्तों हुआ है ऑन वीजा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमेट एंड द ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर। तो अच्छा, ये एग्रीमेंट किसके बीच साइन हुआ है, तो हमारे विदेश मंत्री दोस्तों एस जयशंकर जी एंड फिजी के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है सिटीवेनी राबुका। तो एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारे विदेश मंत्री के बीच में और फिजी के प्राइम मिनिस्टर राबुका जी के बीच में, राबुका याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी, यानी इंडिया और फिजी के बीच में दोस्तों वीजा एग्जेम्पशन पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और वीजा एग्जेम्पशन का मतलब दोस्तों क्या होता है वो आप समझ गए हैं, मतलब है ना कि 90 दिन तक छूट मिल जाएगी भारतीय डिप्लोमेट्स को और उनके डिप्लोमेट को हमारे देश में दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी आज की पहली खबर थी। हम आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं आपसे हमारी फिजी के बारे में। फिजी की कैपिटल सुवा है और करेंसी डॉलर यहां पर चलती है दोस्तों। फिजी कैपिटल सुवा एंड करेंसी फिजिशियन डॉलर यहां पर चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको रिसेंट एग्रीमेंट इंडिया एंड द डिफरेंट कंट्री की एक लिस्ट यहाँ पे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट अगर हम इंडिया की बात करें और साउथ अफ्रीका, तो हमने आपस में एग्रीमेंट साइन किया था डिसेबिलिटीज पर दोस्तों। उसके पहले बात करें इंडिया स्पेन दोस्तों, तो तीन मुद्दों पर एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर दोस्तों, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं लोरा, LORA दोस्तों, LORA। ये दोस्तों क्या है, ये आपका एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है लोरा, एग्जैक्टली में। और मतलब दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारा कोई दुश्मन देश है, उसके लॉन्ग टर्म टेरिटरी में अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हो जो कि मतलब उस देश के डीपेस्ट जगहों पर जाकर हमला कर सके, तो ये लोरा मिसाइल की बात हो रही है। लोरा मिसाइल इजराइल की मिसाइल है और यहां पर देखिए दोस्तों BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो हमारे देश की सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने इजराइल की कंपनी से एग्रीमेंट किया है फॉर द लोरा वेपन सिस्टम। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि लोरा वेपन सिस्टम जो है वो भारत में ही बनाया जाएगा, अब भारत में ही बनाया जाएगा और भारत में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को दिया जाएगा। एग्जैक्टली में लोरा सिस्टम बड़ा इजी है, आप इसे किसी भी मतलब कहीं से भी आप इसे मतलब आप इसको आराम से मूवमेंट कर सकते हो कहीं पर भी, और ये छोटे से मतलब लॉन्चर से लॉन्च होता है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है इसको हैंडल करना दोस्तों, ठीक है। देखिए अब पूरी इंफॉर्मेशन क्या है वो देखिए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच दोस्तों। एग्रीमेंट साइन क्यों हुआ है, फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, यानी भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और सप्लाई किया जाएगा लोरा, मतलब लॉन्ग रेंज अटैक,
वेपन सिस्टम फॉर द इंडियन ट्राई सर्विस, यानी इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को, तीनों को ये सिस्टम दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर से आप देख लें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द लोरा सिस्टम। लोरा मतलब लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल, यानी ये भारत में बनाई जाएगी अब, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे सामने दोस्तों, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, अब बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। राइट नाउ भानु प्रकाश श्रीवास्तव को एडिशनल चार्ज दिया गया है सीएमडी का, मतलब ये चेयरमैन एमडी हैं किसके, बीईएल के। हेडक्वार्टर आपको जरूर याद होना चाहिए, बेंगलोर में है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेगमेंट की। तो हमने आपको एग्रीमेंट और एमओयू भी पढ़ा दिया है, नेक्स्ट सेगमेंट नेशनल न्यूज दोस्तों। और नेशनल न्यूज में आपको हमारे सामने पहली इंफॉर्मेशन, यहां पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम की। जब आपके एग्जाम शुरू होते हैं तो आप लोग चिल्लाते हो कि सर गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ ही लेते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो केवल चिल्लाते हैं गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट, सब कुछ पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम की, ठीक है। तो हमारे देश के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दोस्तों, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 25-26 तक दोस्तों। यानी एक बात ध्यान देना, यहां पर हम स्कीम की बात कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक। अब इसका टाइम पीरियड 2025-26 तक है, इसको जरूर ध्यान देना, तुम्हारे एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। आइए हम पूरी बात करेंगे आपसे। तो भारत, तो हमारे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि अब हम लोग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मतलब इंप्लीमेंट भारत में कर सकते हैं। और ध्यान दो, लिखा क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार पूरे खर्चे इस पे करेगा। अब ये स्कीम है क्या दोस्तों, आपको टाइम पीरियड मालूम चल चुका है। देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोस्तों। नाम क्या है, नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक दोस्तों, ठीक। आप बोलेंगे सर 22-23 क्यों, क्योंकि बेटा 22-23 अभी खत्म नहीं हुआ है, 22-23 हमारा 31 मार्च खत्म होगा। तो आप लोग याद रखना 2022-23 से 2025-26 तक, ठीक है, विथ फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज 4800 करोड़ रुपए दोस्तों। यानी कितना इसका अमाउंट है, कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी, 4800 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी टाइम पीरियड 2022-23 से 25-26, टोटल अमाउंट जो खर्च किए जाएंगे वो 4800 करोड़ रुपए, 4800 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे इसके लिए। टाइम पीरियड, अमाउंट और नाम आपको मालूम चल गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब ये मेन स्कीम है क्या, तो दिस विल हेल्प एनकरेज पीपल टू स्टे इन देयर नेटिव प्लेसेस इन द बॉर्डर एरिया दोस्तों। एग्जैक्टली मैं ये स्कीम क्यों आई दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे देश के बॉर्डर एरिया, यानी आप सोचिए हमारे देश में वो राज्य और वो जगह, वो गांव, वो विलेज, वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी सीमा हमारे देश के किसी और दुश्मन देश या किसी भी देश से जुड़ती है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बात कर लें गाइस, है ना। तो जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर वैसे भी जो लोग रहते हैं उनके पास कोई काम तो होता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरिया दोस्तों, ना वहां पर इंडस्ट्री होती है ठीक से, ना वहां एग्रीकल्चर होता है, और लोग डर के मारे भी वहां से भाग आते हैं शहरों में, मतलब दूसरे जगहों पे, है ना। तो जो बॉर्डर के एरियाज है दोस्तों वहां पे लोगों का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल नियम के हिसाब से कोई देश तो हमला कर भी नहीं पाएगा, और वैसे भी लोग अपना घर क्यों छोड़े यार, है ना, लोग अपना घर क्यों छोड़े। तो हमारी भारत सरकार जो है वो बॉर्डर एरियाज में ऐसे गांव पड़ते हैं जहां लोग रहते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, तो उनको यहां पर डेवलप करेगी। डेवलप का मतलब दोस्तों उनके लिए रोजगार के साधन पैदा करेगी, हाँ, कुछ काम देगी, ऑक्यूपेशन कराएगी, यही सब काम इसमें होगा। तो ये भी ध्यान देना कि ये स्कीम किसके लिए है, तो वाइब्रेंट विलेज स्कीम की बात, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं गाइस, 2022-23 से 25-26, अमाउंट है 4800 करोड़ रुपए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, तो ये बॉर्डर एरियाज के लिए है, जो गांव पड़ते हैं एरियाज में उनके लिए स्कीम है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला गया है, तो इस स्कीम के पहले फेज में टोटल 663 गांव का चयन किया जाएगा जहां पर ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा।
तो टोटल 663 विलेज को चूज किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों पहले फेज में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक। आइए तो अबाउट द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दोस्तों, तो एग्जैक्टली मैं 2022 के ही बजट में स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बात की थी, यानी कि 22 का मतलब इस बार 23 का आ चुका है, मतलब एक साल डिले इसमें हो गया। ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द इंफ्रा इन विलेज अलोंग इंडिया बॉर्डर विद चाइना, यानी क्या दोस्तों, यानी मेन पहले चाइना वाले पर फोकस करें। तो भारत का बॉर्डर जहां जहां चाइना से अटैच है और उन एरियाज में जो गांव हैं, तो उन गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। और देख लीजिए, तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग उत्तराखंड दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, इन तीन स्टेट पे फोकस करेंगे। यानी जो आपके 663 गांव चुने गए हैं ना दोस्तों, वो आपके मेनली अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड से चूज किए गए हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये स्कीम क्यों आई थी, मेरे ख्याल से अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की। और स्पोर्ट्स में हमारे पास आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर, देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, हमने आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन जो मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मेनली भोपाल था बट 7 और थे दोस्तों, है ना। और आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 दोस्तों हेल्ड इन गुलमर्ग एंड जेएन के टॉप मेडल टैली विद द 76 मेडल, यानी गाइस खेलो इंडिया विंटर गेम्स ही भारत में हो रहे थे। जिस तरह से आपको बताया दोस्तों समर ओलंपिक होता है तो साथ ही विंटर ओलंपिक भी होता है ना, वैसे ही तो खेलो इंडिया हम विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं। तो ये अभी गुलमर्ग में खत्म हुआ दोस्तों, और मेडल टैली की बात करें तो जेएनके जो था वो टॉप पे था दोस्तों। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, देखिए यहां पे। तो दोस्तों पहली बात, ये थर्ड एडिशन था, देख लीजिएगा, तीसरा एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये कहां पे हुआ दोस्तों, गुलमर्ग में हुआ, ठीक, गुलमर्ग इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर। यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के गुलमर्ग में दोस्तों ये अयोध्या खत्म भी हो गया, ये मतलब बेसिकली। तो ये कहां पर हुआ था, तो यूटी हमारा कौन सा है, जेएनके, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बारामूला, और इस डिस्ट्रिक्ट में कहां पे दोस्तों, गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में तीसरा एडिशन कंप्लीट हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं मेडल टैली की। तो जम्मू, यहां देखो सीधे, तो जेएनके आपको नंबर एक पे दिखाई पड़ रहा है, 26 गोल्ड मेडल और टोटल 76 मेडल दोस्तों। महाराष्ट्र नंबर टू पे दोस्तों 13 गोल्ड मेडल, टोटल 27 मेडल। हिमाचल प्रदेश नंबर तीन पे दोस्तों 10 गोल्ड मेडल एंड टोटल 31 मेडल। ये टॉप थ्री तो आपको याद ही होने चाहिए मेडल के साथ, और चौथे पे इंडियन आर्मी रही और पांचवे पे हरियाणा रहा दोस्तों। तो ये जो टॉप थ्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन टॉप थ्री के मेडल आपको याद होने चाहिए, चौथे पे इंडियन आर्मी, नंबर पांचवे पे रहा हरियाणा दोस्तों। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे, तो हम फिर से देख लें यहां पे किसकी हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए फिर से एक बार। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा एडिशन जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के गुलमर्ग में कंप्लीट हुआ। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं मेडल टैली की, तो जेएनके नंबर एक पर, नंबर टू पे महाराष्ट्र, नंबर थ्री पे हिमाचल प्रदेश, नंबर फोर पे इंडियन आर्मी, नंबर फाइव पर हरियाणा दोस्तों। और आपको टॉप थ्री के मेडल याद करने पड़ेंगे। तो ये स्पोर्ट्स में हमारे पास आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। अब देखो फिर क्या है यहां पे, यहां लिखा है अबाउट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की स्टार्टिंग 2020 में हुई दोस्तों, और इस बार तीसरा एडिशन था 23 में, ठीक। 2023 का एडिशन कहां पर हुआ, गुलमर्ग में हुआ, हां बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। 2023 एडिशन का मैस्कॉट क्या दोस्तों, तो स्नो लेपर्ड था, स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ बोलते हैं हिंदी में से। तो 2023 में जो इंडिया, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए उसका मैस्कॉट, ठीक, शुभंकर, तो स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ। टोटल गेम खेले गए 11 दोस्तों, और टोटल 1500 एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से आपको हम दे रहे हैं यहां पे। अगर आपको इंफॉर्मेशन दोस्तों अच्छी लगे तो एक बार प्लीज लाइक वीडियो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में स्टैटिक जे भी कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ द विनर एंड द वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोस्तों। तो इसका पहला एडिशन 2020 में हुआ था, कहां पर, लेह में हुआ था और गुलमर्ग में हुआ दोस्तों, दो जगह पे हुआ था, लेह मतलब लद्दाख और गुलमर्ग।
और जीएनके पहली बार भी चैंपियन था दोस्तों, नंबर टू पर भी चैंपियन और नंबर तीन पर भी चैंपियन दोस्तों। दूसरा एडिशन 21 में हुआ, कहां पर? ले गुलमर्ग में। और तीसरा एडिशन इस बार लद्दाख में नहीं हुआ कहीं पर, केवल गुलमर्ग में हुआ दोस्तों। देख लीजिए, आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम दूसरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो स्पोर्ट्स में हमारे पास आपके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लद्दाख का जो पैगोंग त्सो जो है दोस्तों, में भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी करेगा दोस्तों। यानी कि लद्दाख में जो पैगोंग त्सो है, वहां पर जो झील है वो जम गई है। तो क्या बोला गया है, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट द कहां पे, पैगोंग त्सो में दोस्तों, ठीक है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो भारत में ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट पहली बार हो रहा है जब हम फ्रोजन लेक मैराथन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या इंफॉर्मेशन, तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, तो भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन, ठीक, ये लद्दाख में दोस्तों होगा। लद्दाख के कहां पे, लद्दाख के पैगोंग त्सो में ये होगा। एट ए हाइट ऑफ द 13,862 फीट विल बी हिल्ड ऑन द डेट, आपसे पूछा नहीं आता है दोस्तों, तो 20 फरवरी को ये होने वाला है। तो फिर से याद कर लीजिए, चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो पहली बार हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन, भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन ये दोस्तों हो रहा है, कहां पे, लद्दाख के पैगोंग त्सो एरिया में होगा दोस्तों, ठीक है। और ये 13,862 फीट की ऊंचाई पर होगा, 13,862 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों ये होगा। देखिए, द इंडियन आर्मी एंड द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स हैव बीन रोब्ड इन टू इंप्लीमेंट अ प्रॉपर एक्शन प्लान फॉर द इवेंट। यानी दोस्तों, यानी हमारी इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इसे ऑर्गेनाइज करेगी पैंगोंग त्सो में दोस्तों, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये हम आपके लिए लेकर आए थे। अब दोस्तों क्या हुआ, द 21 किलोमीटर मैराथन विल स्टार्ट फ्रॉम द लुकुंग एंड इंड एट द मान विलेज दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि 21 किलोमीटर का ये मैराथन, ठीक। तो 21 किलोमीटर का मैराथन दोस्तों है, ये लुकुंग से शुरू होगा और मान गांव में खत्म होगा दोस्तों। तो 21 किलोमीटर का ये मैराथन है। अच्छा, और देखिए, द मैराथन इज बीइंग कॉल्ड द लास्ट रन टू हाईलाइट द इशू ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इस मैराथन का जो नाम है दोस्तों, उसे लास्ट रन बोला गया। लास्ट रन क्यों बोला गया है, क्योंकि क्लाइमेट जो हमारी गड़बड़ी होती है, जो कार्बन का एमिशन होता है, उससे क्लाइमेट में दिक्कत होगी। तो हो सकता हो कि नेक्स्ट टाइम ये लेक जमे ही ना, और जब लेक जमेगी नहीं तो मैराथन कहां से होगा। तो इसलिए लास्ट रन इसे बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मेन मुद्दे क्या है वो देख लेते हैं फिर से एक बार दोस्तों। तो भारत होस्ट कर रहा है, मतलब पहला फ्रोजन लेक मैराथन, और कहां पे दोस्तों, तो ये लद्दाख के पैंगोंग त्सो में होगा दोस्तों, ठीक। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए देखिए यहां पे, तो फ्रोजन लेक मैराथन फर्स्ट टाइम की बात करें, लद्दाख के पैगोंग त्सो में ये होगा। हाइट है 13,862 फीट दोस्तों, ठीक। इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इसे ऑर्गेनाइज करेगी। 21 किलोमीटर का मैराथन दोस्तों ये है, और इसका जो नाम होगा वो लास्ट रन होगा क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट दोस्तों हमारे पास खत्म होता है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स दोस्तों, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर हम चल रहे हैं, हाँ, और आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए दोस्तों, तो एक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, यहां पर हम किसी स्टेट के अवार्ड की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। नाम क्या है, नाम है सुभाष चंद्रन। सुभाष चंद्रन ने समुद्र शिला, इनका एक नॉवल था, उसके लिए केरल का अकबर ककाटिल पुरस्कार जीता दोस्तों, ठीक। तो सुभाष चंद्रन ने अपनी नॉवल समुद्र शिला के लिए केरल का अकबर ककाटिल पुरस्कार जीता दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया अकबर ककाटिल ये जो अवार्ड है लिटरेसी का, ये कौन देता है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, तो केरला गवर्नमेंट। 2023 का अवार्ड किसे मिला, तो सुभाष चंद्रन को मिला इनकी नॉवल समुद्र शिला के लिए दोस्तों। पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे देखिए, देखो तो राइटर सुभाष चंद्रन की बात करें दोस्तों, इनको अपनी नॉवल समुद्र शिला के लिए चुना गया है अकबर ककाटिल अवार्ड के लिए दोस्तों। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड देते हैं केरला में, ये अवार्ड मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे और क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट बाई अ ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड द नॉवलिस्ट फ्रॉम द कोझिकोड। एग्जैक्टली में जो ये अकबर ककाटिल थे, ये केरला के कोझिकोड़े के थे। तो इतना डीप में तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, आप बस इतना याद कर लो कि सुभाष चंद्रन को 2023 का
अकबर ककाटिल अवार्ड मिला है केरल से, ठीक है। और डीप में आना है तो ये देख लो कितना प्राइज मनी है, तो प्राइज मनी 50,000 रुपए दोस्तों। और सुभाष चंद्रन को ये अवार्ड कौन देगा, तो ये अवार्ड देंगे राइटर एम मुकुंदन दोस्तों, ये आप देखिए। तो ये अवार्ड कौन देंगे, मिस्टर एम मुकुंदन अवार्ड देंगे, दे चुके हैं मतलब 17 फरवरी को ये हो चुका है दोस्तों कल मतलब। तो एम मुकुंदन जो है वो ये अवार्ड देंगे। तो यहां पर आपको मेन मेन ध्यान क्या देना दोस्तों, फिर देख लीजिए यहां पर सुभाष चंद्रन की बात कर रहे हैं, इनकी नॉवेल समुद्रशिला इसके लिए ने चुना गया दोस्तों अकबर ककाटिल अवार्ड के लिए। ये केरल में अवार्ड दिया जाता है, 50,000 रुपए कैश मनी है इसकी प्राइस मनी, और राइटर एम मुकुंदन जो है वो ये अवार्ड देंगे। तो एक इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ेंगे न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे। न्यूज नंबर 2 हरियाणा, ठीक। हरियाणा पुलिस रिसीव प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दोस्तों, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारी राष्ट्रपति, तो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं दोस्तों, तो वो हमारे देश में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हमारे देश की पुलिस या हमारे देश की CRPF, किसी को भी उनकी सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिलता है दोस्तों। और इस बार ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ये हरियाणा पुलिस को मिला है, ठीक है। आइए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों। तो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह, अभी आप क्या बोलेंगे कि सर अभी आपने बोला प्रेसिडेंट, अभी आप बोल रहे हो अमित शाह जी, तो एग्जैक्टली मैं प्रेसिडेंट यहां पे जा नहीं पाई थी, तो प्रेसिडेंट के जगह अमित शाह जी ने अवार्ड दिया था, ठीक है। तो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करें, हैज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू हरियाणा पुलिस। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है दोस्तों वो इस बार मिला है हरियाणा पुलिस को इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विसेज दोस्तों। यानी कि जो हरियाणा पुलिस है उनके असाधारण सेवा के लिए अमित शाह जी ने राष्ट्रपति कलर अवार्ड इनको दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे, तो शाह प्रेजेंट द प्रेसिडेंट कलर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो मैंने बोला तो द्रौपदी मुर्मू जी के बिहाफ पर यह अवार्ड अमित शाह जी ने दिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कलर की बात कर रहे थे, और यह अवार्ड जो है दोस्तों इस बार किसे मिला है, हरियाणा पुलिस को मिला है। अगर आपको और डीप में जाना है दोस्तों, देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस वॉज द फर्स्ट स्टेट पुलिस फोर्स टू रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1952 दोस्तों। यानी बात है 1952 की, तो हमारे देश में पहली बार किसी पुलिस फोर्स को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला तो उत्तर प्रदेश पुलिस, सन 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने तब के राष्ट्रपति के बिहाफ पर यह अवार्ड दिया था, ठीक है। तो यूपी पुलिस को 52 में पहली बार यह अवार्ड मिला था, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों दे रहे हैं, ठीक है। चलिए डिफेंस की बात करते हैं, तो डिफेंस में दोस्तों हमारे पास आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है, देखें दोस्तों आपको बताया कि हर बार बजट में डिफेंस का भी बजट आता है दोस्तों, और डिफेंस के बजट में सरकार तय करती है कि जो डिफेंस का बजट है उसमें कुछ अमाउंट ऐसा होता है दोस्तों जो कि हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के लिए सामान खरीदने के लिए होता है। सामान का मतलब यहां मिसाइल की बात कर रहे हैं या हम गोले बारूद की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं डिफेंस आइटम की, इक्विपमेंट की, तो वो सब पहले हम इंपोर्ट करते थे, ठीक। लेकिन राजनाथ सिंह ने बोला क्या दोस्तों कि इस बार जो प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब इस बार जो अमाउंट दिया गया है सामान खरीदने के लिए, उसका 75% हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदेंगे दोस्तों, उसका 75% हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, देखिए। तो भारत घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 75% निर्धारित करता है दोस्तों, यानी इंग्लिश में तो दोस्तों इंडिया ने तय कर लिया है कि वो 75% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो है बजट फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। यानी अगर मान लीजिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया कि भैया 100 रुपए का हम सामान खरीदने वाले हैं इस बार, तो इस 100 रुपए में 75% सामान हम खरीदेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, 25% हम बाहर से खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया दोस्तों दैट अ रिकॉर्ड 75%, ठीक, ऑफ इंडियाज डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज बीन अर्मार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द 23-24 दोस्तों, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यह न्यूज समझ में नहीं आ रही है तो फिर देख लीजिए, 2023-24 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारी तीनों फोर्सेस के लिए जितना भी सामान खरीदेगी, जितने अमाउंट का, उसका 75% भारत से ही खरीदा जाएगा,
एंड 25% हम विदेशों से खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 75% भारत से खरीदा जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन 2023-24 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन एलोकेटेड टोटल बजट ऑफ 5.94 लाख करोड़ रुपीज दोस्तों, ठीक, विच इज 13.18% ऑफ द टोटल बजट दोस्तों, ठीक। यानी यहां पर अब क्या बात हो रही है, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 2023-24 के बजट में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ रुपीज मिले हैं दोस्तों। तो ये टोटल अमाउंट है, यहां पर हम प्रोक्योरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो 5.94 लाख करोड़ दोस्तों, इतना पैसा डिफेंस को दिया जाएगा जो कि हमारी टोटल बजट का 13.18% है। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस पर फोकस कर रही है 13.18%, ठीक। अब देखिए, कैपिटल आउटले पर्टेनिंग टू मॉडर्नाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन इंक्रीज टू 1.63 लाख करोड़ रुपीज। इसका मतलब कि हमारी सेना के आधुनिकीकरण के लिए और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.63 लाख रुपीस खर्च किए जाएंगे दोस्तों। यानी कि 5.94 लाख करोड़ रुपीस इतना अमाउंट दिया गया। अब इसमें से 1.63 लाख करोड़ रुपीस दोस्तों, ये हमारी सेना के आधुनिकीकरण और बुनियादी सेवाओं के लिए, मतलब वही बात हो रही है, यानी इतना पैसा आएगा प्रोक्योरमेंट के लिए। और इसमें से 75% हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देंगे। ये है सिंपल सा डिकोडिंग हमारी। तो टोटल अमाउंट 5.94 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 1.63 लाख करोड़ रुपीस दोस्तों ये रखा जाएगा फॉर द प्रोक्योरमेंट, और इसमें से भी 75% हम खर्च करेंगे फॉर द डोमेस्टिक एजेंसी। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा एक बार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं डिफेंस में आज की न्यूज नंबर टू दोस्तों, ठीक। तो डिफेंस में आज की न्यूज नंबर टू दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी, आई थिंक इसके पहले वाली, जिसमें कई सारे ड्रोन होते हैं, जो टोनी स्टार्क का चश्मा एक्टिवेट कर देता है तो खूब सारे ड्रोन नहीं आते दोस्तों, और खूब ड्रोन अटैक करते हैं, उसी की बात यहां पे हो रही है। तो इंडियन आर्मी गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल SWARM दोस्तों, ठीक, इसे आप स्वार्म बोल सकते हो, ड्रोन सिस्टम। तो भारतीय सेना को दुनिया की पहली पूरी तरीके से परिचालित स्वार्म ड्रोन सर्विस सिस्टम मिल गई दोस्तों। SWARM दोस्तों, तो इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन देखिए यहां पे दोस्तों। देखिए, तो हमारे देश की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी दोस्तों, ठीक, ठीक है। हमारे देश की एक डिफेंस कंपनी है, न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी, इसने डिलीवर किया है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरेबल मॉड्यूल दोस्तों, इन शॉर्ट स्वार्म दोस्तों, ठीक। देखिए, तो हमारे देश की एक न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी है, बेसिकली ये डिफेंस और स्पेस के लिए काम करती है, इसने डिलीवर किया है स्वार्म सिस्टम। स्वार्म का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरेबल मॉड्यूल, ठीक, ड्रोन्स टू द इंडियन आर्मी। तो न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने ये इंडियन आर्मी को सौंपा है SWARM स्वार्म ड्रोन सिस्टम। अगर आपको अभी फुल फॉर्म याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, घर पे याद कर लीजिएगा, अभी के लिए स्वार्म याद कर लो, स्वार्म SWARM, ठीक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इट मेक द आर्मी द फर्स्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड टू ऑपरेशनलाइज स्वार्म ड्रोन्स। यानी कि इंडियन आर्मी पूरे दुनिया की पहली आर्मी बन गई है जो कि अब स्वार्म ड्रोन्स को ऑपरेट करेगी दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, देखो, द स्वार्म ऑफ 100 ड्रोन्स इज कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट एटलीस्ट 50 किलोमीटर अवे इन टू द एनिमी टेरिटरी। यानी कहने का मतलब यह कि इसमें एक साथ 100 ड्रोन होंगे, एक साथ, जो 50 किलोमीटर की दूरी से भी अपना टारगेट हिट कर सकते हैं और दुश्मन की टेरिटरी में। तो 100 ड्रोन एक साथ मारेंगे तब तो क्या होगा भाई, समझ लो। तो कहने का मतलब इंडियन आर्मी पूरे दुनिया की पहली आर्मी बन गई है जिसके पास अपना SWARM स्वार्म सिस्टम ड्रोन का है दोस्तों। 100 ड्रोन्स इसमें और 50 किलोमीटर लिखा है, एटलीस्ट 50 किलोमीटर अवे, यानी 50 किलोमीटर दूर से भी टारगेट हिट किया सकता है इनसे। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे समिटन कॉन्फ्रेंस की दोस्तों। तो समिटन कॉन्फ्रेंस में हमारे पास आपके लिए पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों, यहां पर हम G20 कल्चर मीटिंग की बात करेंगे।
तो G20 की कल्चर कमिटी मीटिंग ये कहां पर होगी दोस्तों? तो ये होगी आपकी खजुराहो में होगी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो एक काम आपके लिए और बढ़ गया, यहां पर आपको G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात कर रहे हैं। कहां पर होगा? खजुराहो में होगा दोस्तों। आइए देखते हैं पूरी इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, तो G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के टेंपल टाउन खजुराहो में होगी दोस्तों, और इसकी थीम होगी प्रोटेक्शन एंड द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इतने सारे इवेंट हैं, आपको सबकी थीम याद नहीं हो पाई। आप बस याद ये रखो कि कौन सा इवेंट कहां पर होगा। तो G20 का जो कल्चरल इवेंट है दोस्तों, वो कहां पर होगा? खजुराहो में होगा। कल्चरल और टूरिज्म, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। टूरिज्म वाला कहां पर होगा? गुजरात में होगा। गुजरात में कहां पर होगा? वहां ये कच्छ रीजन जो है वहां होगा। तो टूरिज्म और कल्चर में डिफरेंस है। कल्चर कहां पर होगा? कल्चर आपका खजुराहो में होगा। एक बार आप देख लो, यहां पे देखो, कुछ करना नहीं है, बस ये नाम याद रखो और ये कहां पर होने वाला याद रखो, ठीक है। हमने आपको लिस्ट दी हुई है, आप साहस मत छोड़िएगा, अपना साहस नहीं छोड़ना आपको दोस्तों। ये सब डेली बेसिस पर को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, ठीक, ये वाला एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर हुआ? इंदौर में दोस्तों, ठीक। उसके पहले देखिए, ये आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाली मीटिंग कहां पर? आगरा में दोस्तों। अर्बन 20 सिटी शेरपा मीटिंग अहमदाबाद। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज NDBC वाला बेंगलोर में दोस्तों, ठीक। देखो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ना, टूरिज्म आ गया यहाँ पे, तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है? रन ऑफ कच्छ में हो रहा है, धुर्दो गांव में हो रहा है दोस्तों। तो टूरिज्म में और कल्चर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज मैंने कल्चर पढ़ा है, और कल्चर कहाँ पर होगा? खजुराहो में होगा दोस्तों। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश वाइजैक की, ठीक। देखिए, दो दिन का ग्लोबल टेक समिट ये आपका विशाखापट्टनम वाइजैक में दोस्तों शुरू हो गया। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि ग्लोबल टेक समिट इस बार कहां पर होगा, तो आंध्र प्रदेश के वाइजैक, मतलब विशाखापट्टनम में दोस्तों ही होगा। देखिए, तो ग्लोबल टेक समिट की बात कर रहे हैं, कहां पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कुछ नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं है आपको। ग्लोबल टेक समिट में इससे ऊपर है नहीं इन्फॉर्मेशन, मैंने 3-4 साइट चेक कर ली, इतना ही पढ़ना है आपको दोस्तों। तो ग्लोबल टेक समिट कहां पर हुआ इस बार? इस बार हुआ आपका वाइजैक आंध्र प्रदेश में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे गाइस, और इस बार इंपॉर्टेंट डेज में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा अगर आपको यकीन ना हो दोस्तों, ठीक है। आप इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल, इस बार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल पेपर उठाकर देख लीजिएगा। लास्ट टाइम का पेपर आपका कब हुआ है दोस्तों? दिसंबर जनवरी में, और ये पूछा गया क्वेश्चन आपका फरवरी वाला। फिर समझ लो ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो आप मेरे पीछे पढ़ो इंफॉर्मेशन, ये आपके एग्जाम में आती हर बार आती है, ठीक। हम क्या बात कर रहे हैं, 13-17 फरवरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार 13 से लेकर 17 फरवरी तक मना, क्या मनाया? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 से लेकर 17 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया, ठीक। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो इस बार का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो कब से कब हुआ दोस्तों? तो वो 13 से लेकर 17 फरवरी तक हुआ। हम इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक दोस्तों। सबसे पहली बार 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया था, ठीक। और आपके एग्जाम में थीम पूछी जाती है, तो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसकी थीम क्या है दोस्तों? उसकी थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इसे बिल्कुल भी हल्के मत लो, ये फरवरी में होता है लेकिन ये आपके पूरे साल के एग्जाम में पूछा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो 13-17 फरवरी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की बात कर रहे हैं दोस्तों। थीम गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, 16 में पहली बार इसे मनाया गया दोस्तों, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे स्टेट यूटी की। तो स्टेट यूटी में हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है दोस्तों? देखिए यहां पर पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे साइंस सेंटर की। साइंस सेंटर गए कभी आप? मैं गया हूं, मुंबई में गया हूं मैं, लखनऊ में गया हूं मैं, साइंस सेंटर। तो साइंस सेंटर एंड द प्लैनेटेरियम,
मतलब कि तारामंडल, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द कोटा राजस्थान दोस्तों, और ये कोई छोटा मोटा नहीं बनेगा, ये वर्ल्ड लेवल का बनेगा। ठीक, तो राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी अच्छी है। देखिए दोस्तों, इन राजस्थान साइंस सेंटर एंड द प्लैनेटेरियम मतलब कि तारामंडल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन कोटा। ठीक, और इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट साइंस सेंटर एंड प्लैनेटेरियम इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड लेवल पे दोस्तों ये बनेगा। कहां बनेगा? कोटा में बनेगा दोस्तों। अच्छा, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम यही रिस्पॉन्सिबल बॉडी है दोस्तों, जो हमारे देश में साइंस सेंटर को बनाती भी है और उनका ख्याल रखती है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में दोस्तों एग्रीमेंट साइन हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर। तो नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम एक शब्द याद रखेगा, और गुजरात राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया, देयर आर 24 साइंस सेंटर और म्यूजियम ऑफ द एन, यानी गाइस हमारे देश में अभी तक 24 साइंस सेंटर है, यानी ये 25वां साइंस सेंटर होगा। तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ये 25वां साइंस सेंटर दोस्तों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, गवर्नर कलराज मिश्रा जी। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क दोस्तों, केवला देव नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। ठीक, तो एमसीक्यूज हमारे पास आपके लिए हैं और आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि डेविड मालपास टू स्टेप डाउन एज द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, इन विच ईयर ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये कौन से साल अपॉइंट हुए थे दोस्तों? तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये 2019 में अपॉइंट हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज रिजाइन एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। तो यहां पर दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा आपका निकोला स्टर्जन, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ग्राहम रीड, ये हमारे इंडियंस मेंस हॉकी टीम कोच थे ना। ठीक, जेसिंडा अर्डन ये कौन थी? ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, नतालिया मल्डोवा। हाँ, याद रखना सब दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर फॉर मल्टीपल स्मॉल वैल्यू पे ट्रांजेक्शन दोस्तों। यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं? तो 200 रुपए का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन एक बार में, और आप एक दिन में 2000 रुपए और फिर 2000 रुपए, यानी कि 4000 रुपए इसमें आप ऐड कर सकते हैं। भूलना मत ये सब पॉइंट दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू हाउ मेनी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन पीए टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पीए। तो एग्जिस्टिंग पूछा गया दोस्तों, एग्जिस्टिंग का मतलब 32। ठीक, हमने पढ़ा था कि 32 जो आपके हैं दोस्तों वो एग्जिस्टिंग और 19 दोस्तों नए। ठीक, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी न्यू पीए दोस्तों, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए, एचडीएफसी कंक्लूडेड अ सेल ऑफ 10 ईयर, मैंने बोला था 10 साल का ये डिबेंचर है और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, इस पर ब्याज है 7.94%। ठीक, कितने अमाउंट का दोस्तों? तो 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया हैज साइंड एमओयू विद विच कंट्री ऑन वीजा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स। आंसर इज फिजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एमओयू विद द इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई ऑफ द लोरा वेपन सिस्टम। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है दोस्तों, भूलना मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दोस्तों फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका है 2022-23 से लेकर 25-26, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2022-23 से लेकर 25-26, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया दोस्तों? तो एलोकेट किया गया है 4800 करोड़ रुपए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, मतलब वो हमारे नोट्स के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
देखिए दोस्तों, विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स वॉज हेल्ड इन द गुलमर्ग इन बामन डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा एडिशन था? तो ये आपका तीसरा एडिशन था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच टीम हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेएनके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और लगातार तीसरी बार जेएनके ने टॉप किया इसमें, ठीक है। क्या पूछा गया? इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन एट अ हाइट ऑफ द 13,862 फीट विल बी हेल्ड इन द विच स्टेट? तो यहां पे हमारा आंसर लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। हु हैज वन द अकबर ककाटिल अवार्ड, ये पूछा गया दोस्तों। तो इनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र, ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो नॉवेल थी क्या नाम थी? समुद्र शिला, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच स्टेट पुलिस हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दोस्तों? तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को यह अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस दैट अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच परसेंट ऑफ इंडिया डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट? तो यहां पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन एलोकेटेड टोटल बजट 5.94 लाख करोड़ रुपीज। तो ये जो डिफेंस का बजट था, ये टोटल बजट कितना परसेंट था दोस्तों, कितना परसेंट? तो यहां पे हमारा आंसर 13 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वाम ड्रोन सिस्टम दोस्तों? आंसर इज द इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फर्स्ट G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर होगी? तो आंसर इज द खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्लोबल टेक समिट विल बी हेल्ड इन विसिटी वाइजैग, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया आपका 13-17 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द साइंस सेंटर एंड द प्लेनेटेरियम टू बी बिल्ट इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? आंसर हमारा कोटा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और अपना अपने वीडियोस को लाइक कर दिए दोस्तों, और प्लीज कमेंट कर दें, कमेंट से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और लाइक से भी। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों, थैंक यू।